आज एक 17 साल का बंदा इंडिया के लिए डेब्यू करने जा रहा है, एक ऐसे खेल में जो उसने सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को खुश करने के लिए खेला था। आज वो अपने देश को रिप्रेजेंट करेगा, खुद का एक नाम बनाएगा और आखिरकार अपने पिता के सपनों को पूरा करेगा। और उसने खेली चौथी मैच में उसे मैच रेफरी द्वारा रिपोर्ट कर दिया जाता है। हाँ, ये है 17 साल के हरभजन सिंह। केवल अपनी चौथी मैच में पॉन्टिंग से नड़ते हुए और इसके लिए वन मैच का बैन और तगड़ा सा फाइन खाते हुए ये थे हरभजन सिंह, गुस्सेल, दबंग और निडर। पर इसके कुछ महीनों बाद इसमें एक और शब्द जोड़ा गया, चकर। भज्जी के बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट कर दिया गया। 5 महीने लगे इस कंप्लेंट को क्लियर होने में, पर जब तक भज्जी लौटे तब मानो उनका वो जादू कहीं खो सा गया था। और सिर्फ कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपनी पोजीशन खो दी, पर मौका अभी भी था। नए नए बने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 25 लोगों की पहली बैच ट्रेनिंग के लिए नियुक्त की जानी थी और उसमें सबसे पहला नाम हरभजन सिंह का। आशा ये थी कि यहाँ भज्जी क्रिकेट के उन लेजेंड से सीखकर एक नई ऊंचाई हासिल कर पाएंगे, पर चंद हफ्तों के अंदर भज्जी को 2 और लोगों के समेत NCA से निकाल दिया गया। कारण गुस्सेल स्वभाव और अनुशासन का उल्लंघन। इस वाक्य के वजह से न केवल NCA के ट्रेनर्स ने उनकी आलोचना की, पर उन्होंने एक ही झटके में सारे सिलेक्टर्स का समर्थन खो दिया। यहाँ तक कि कुछ सिलेक्टर्स ने उनके मुंह पे आके कहा, अब से इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने के सपने वो छोड़ ही दे। उसके ऊपर उनकी स्पॉन्सर्ड एयर इंडिया की नौकरी भी रुकवा दी गई। यहाँ तक कि पंजाब की रणजी टीम से भी उन्हें निकाला जाने वाला था। वो तो भला उनकी टीम के सीनियर्स का, जिन्होंने ये निर्णय झगड़ा करके रुकवा दिया। और ऐसे समय भज्जी के क्रिकेट खेलने का कारण, उनकी प्रेरणा, उनके पिता चल बसे। 20 साल के हरभजन के पास अब ना तो करियर था, ना मौका, ना कोई आशा। उसके ऊपर अपने 5 बहनों की और अपनी माँ की जिम्मेदारी। उनके क्रिकेट खेलने के सपने मानो नसीब और समय के वजन तले कुचल दिए गए थे। क्रिकेट का वो गुस्सेल, निडर, दबंग स्पिनर इतिहास के पन्नों में कहीं गुम होने वाला था। पर नसीब कहिए या कुछ और, उसी समय इंडिया का एक नया कप्तान एक नई तरह की टीम बनाने में लगा हुआ था। I won't say it's a lack of killer instinct, not a lack of effort, because when you're playing for your country, I know the boys, they all put their best. But it could be a lack of self-confidence at certain times. Sourav Ganguly, जिन्होंने मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद इंडिया की कप्तानी संभाली थी, वो इंडियन क्रिकेट को एक नए निडर रूप में देखना चाहते थे। और ये सब तब जब उनकी खुद की कप्तानी की नाव डूबने के कगार पे थी। कप्तानी संभालने के बाद दादा कोई भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीत नहीं पाए थे। यहाँ तक कि आखिरी एशिया कप में, जिसे पाकिस्तान ने जीता था, उसमें इंडिया फाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाई थी। उस पर दादा को कप्तानी मिलना किसी करिश्मे से कम नहीं था। BCCI में छिड़े वाद विमर्श और पॉलिटिक्स, और उसमें दादा की नियुक्ति अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। पर फिलहाल शॉर्ट में, कप्तान की कप्तानी खतरे में और उस पर अगली सीरीज वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया के सामने। वो ऑस्ट्रेलिया जिसने पिछले एक साल में लगातार 16 टेस्ट मैच विंस का रिकॉर्ड कायम किया था और जिसके कप्तान वॉन ने पहली इंटरव्यू में इंडिया में जाकर 17, 18 और 19 मैच जीतने की घोषणा कर दी थी। तो डूबती नाव, क्षितिज पे तूफान और नाव की पतवार टूटी हुई। इंडिया की पतवार यानी इंडिया का सबसे कामयाब स्पिनर अनिल कुंबले इंजरी से बाहर थे। पिछले कुछ महीनों में उनकी कमी पूरी करने की कोशिश में दादा ने 3 अलग-अलग स्पिनर्स ट्राई किए थे, जिसमें से कोई भी उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। तो बेसिकली ये सीरीज और उसके साथ दादा की कप्तानी, दोनों के जनाजे साथ साथ निकलने थे। तो एक आखिरी मौके के तलाश में दादा और नए नए नियुक्त किए गए कोच जॉन राइट ने एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने का फैसला किया, जहां पर देश भर से 25 कैंडिडेट्स चुने जाने थे। और उन 25 में से एक कोने में नाम था हरभजन सिंह। भज्जी के पिता के देहांत के बाद घर चलाने की मजबूरी में भज्जी कनाडा में ट्रक ड्राइवर की नौकरी लेने की सोच रहे थे, पर क्रिकेट आखिरकार उनके पिता का सपना था, उसे इतने आसानी से कैसे छोड़ा जाए। बहुत समय तक इस निर्णय से जूझने के बाद वो एक नतीजे पे पहुंचे, एक बार, एक आखिरी बार मैं अपनी जी जान से कोशिश करूंगा, फिर जिंदगी भर ट्रक चलानी पड़े तो पड़े, एक बार जरूर कोशिश करूंगा। तो सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, जो करना पड़े वो करना पड़े, और 5 बजे से 3 घंटे तक बॉलिंग प्रैक्टिस। हर बार उस एक परफेक्ट गेंद की तलाश में दिन, हफ्ते, महीने, हर दिन वही प्रैक्टिस बिना किसी को कुछ भी बताए। वो खुद भले ही कुछ कह नहीं रहे थे, पर उनका जुनून, उनकी वो जिद आसपास के लोगों को साफ नजर आ रही थी। और इस पागलपन को देख
पंजाब के एक सिलेक्टर ने भज्जी को एक आखिरी मौका देने का सोचा और ऑस्ट्रेलिया के उस ट्रेनिंग कैंप में उसका नाम डाल दिया। कोच जॉन राइट ट्रेनिंग कैंप के पहले दिन बैट्समैन का इंस्पेक्शन करने उतरे, पर उनकी आंखें बैट्समैन पे नहीं बल्कि बगल के पिच पे बॉल कर रहे एक स्पिनर पे थी। सवाल सिर्फ एक, उस वक्त के चेन्नई के फ्लैट ट्रैक पे ये स्पिनर इतना उछाल जनरेट कैसे कर रहा है। कोच ने झट से दादा को कॉल लगाया, जिसने जाके भज्जी का रिकॉर्ड छान निकाला और रिकॉर्ड पढ़ने पर दादा के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई, क्योंकि भज्जी दादा को खुद की याद दिला रहा था। ठीक भज्जी की तरह दादा ने अपने पिता को खुश करने के लिए फुटबॉल छोड़कर क्रिकेट खेलना चालू किया। ठीक भज्जी की तरह एक शॉर्ट डोमेस्टिक करियर के बाद उन्हें इंडियन टीम में जगह मिली और ठीक भज्जी की तरह उन्हें भी टीम से निकाल दिया गया। कारण दादा का एटीट्यूड, दादा का घमंड। आगे जाकर दादा ने ये साफ किया कि वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल एसोसिएशन के पॉलिटिक्स का शिकार हुए थे, वही पॉलिटिक्स जिसने दादा को अगले 4 साल तक क्रिकेट के बाहर रखा। उनको जब मौका मिला तो वो भी मजबूरी में, जब सिद्धू गुस्से में टूर बीच में छोड़ के घर निकल लिए। आज इंडियन क्रिकेट के शिखर पर बैठकर दादा का ये ठोस मानना था कि अच्छा बर्ताव सिर्फ और सिर्फ स्कूल में अच्छा लगता है। मैच में मारो या मरो, और जीतने के लिए जो करना पड़े वो करो। इस सरदार में उन्हें अपनी वो भूख साफ नजर आ रही थी, तो उन्होंने भज्जी का नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वार्म अप मैच में डलवा दिया। और उस मैच में लंच होते ही इंडिया ए के कप्तान लक्ष्मण का दादा को फोन, और लक्ष्मण 5 विकेट्स लेने वाले राहुल संघवी को छोड़ एक भी विकेट ना लेने वाले हरभजन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। स्लिप पे खड़े उन्होंने फर्स्ट हैंड भज्जी का वो जादू देखा था और उनका मानना था कि वो खुद भज्जी जैसा बॉलर कभी फेस नहीं करना चाहेंगे। इस सब के जवाब में दादा ने कही एक ही लाइन, भज्जी को अब से बॉलिंग मत दो, ऑस्ट्रेलियंस को उसके बॉलिंग से यूज्ड टू होने का मौका मत दो। दादा का निर्णय हो चुका था, वो किसी भी हाल में भज्जी को अपने टीम में लेकर रहेंगे, फिर जो मर्जी आए करना पड़े। अब आप सोचेंगे कि एटीट्यूड के लिए निलंबित किए जाने के बाद भज्जी जरा सहम गए होंगे, पर बॉलिंग ना दिए जाने पर भज्जी ने मैच के बीचों बीच लक्ष्मण से झगड़ा कर दिया। लक्ष्मण को उन्हें दादा ने दिया और रीजन समझाना पड़ा, तब कहीं जाके सरदार शांत हुआ। तो भज्जी में अभी भी वही निडरपन, वही एटीट्यूड मौजूद था, और इसके चलते सिलेक्शन कमिटी ने दादा को साफ मना कर दिया। वो चाहते थे कि राहुल संघवी, सरनदीप सिंह टीम में आए। दादा ने ये कहकर काउंटर किया कि इन ऑस्ट्रेलियंस के सामने भज्जी का एक्सपीरियंस बड़ा जरूरी होगा। अब ये भले ही बहाना था, पर दादा की ये बात जल्द ही सच होने वाली थी, क्योंकि पहले ही मैच में उनके सारे एक्सपीरियंस बॉलर्स गायब होने वाले थे। श्रीनाथ इंजर्ड, अगरकर को बुखार, और वेंकटपति राजू और वेंकटेश प्रसाद का बेहद खराब फॉर्म। हाल ये था कि तीसरे टेस्ट मैच शुरू होने पर बॉलिंग लाइनअप कुछ ऐसा, 10 टेस्ट मैच खेले भज्जी, 3 टेस्ट के साथ जहीर खान, नीलेश कुलकर्णी 2 टेस्ट और सैराज बहुतले का डेब्यू। यहाँ तक कि बॉलिंग की ओपनिंग पेयर होनी थी गांगुली और जहीर खान, पर वो सब बात की बात है। फिलहाल दादा के भज्जी के प्रस्ताव से जंग छिड़ गई, एक और सिलेक्शन कमिटी और दूसरी ओर कप्तान और कोच। रात तक लेट चली इस मीटिंग में, आखिरकार दादा की जीत हुई, पर नतीजे में दादा ने अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल गवा दिया। ये सीरीज दादा और भज्जी दोनों का भविष्य डिसाइड करनी थी, अगर जीते तो दुनिया मुट्ठी में और अगर हारे। और इस माहौल में शुरू हुआ पहला टेस्ट, या यूं कहे पहली बेइज्जती, 3 दिन लंबी बेइज्जती। ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन पिचेस पे टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया, यानी 4th इनिंग्स में बैटिंग करने का निर्णय। ऐसा निर्णय जो इंडिया के इतिहास में सिर्फ 3 बार लिया गया था, और इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3 दिनों में मैच जीत गई। अब इसे बेइज्जती नहीं तो और क्या कहे। बिशन सिंह बेदी ने इस मैच को इंडियन क्रिकेट के मृत्यु का दिन घोषित कर दिया, और श्रीनाथ और अगरकर आगे ना खेल पाने की खबर ने आगे जीतने की उम्मीदों को चकनाचूर करके रख दिया। इस सारे झमेले में आशा की कोई किरण थी तो वो था 20 साल का हरभजन सिंह, जिसने पहली इनिंग में 4 विकेट्स ली थी। और दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने पर भज्जी और इंडिया ने वही फॉर्म बरकरार रखा, एक और भज्जी का शानदार प्रदर्शन और दूसरी ओर भारत की शर्मनाक हार। और फिर आया वो पल जब लक्ष्मण और द्रविड़ ने 13 दिन तक पिच पर खड़े रहकर 376 रन्स की साझेदारी खड़ी की। अब अपने आप में ये पल भी काफी है इस टेस्ट को यादगार बनाने में, पर उसके बाद जो हुआ उसने इस टेस्ट को एक ऐतिहासिक टेस्ट में बदल दिया। हरभजन के हाथों से मानो जादू उगल रहा था। जिस पिच पर लक्ष्मण और द्रविड़ 1.5 दिन तक डटकर खड़े रहे, उस पिच पर ऑस्ट्रेलियंस 1.5 मिनट भी नहीं टिक पा रहे थे। भज्जी ने 8 विकेट्स लेकर ऑस्ट्रेलिया का 17 विंस का रिकॉर्ड
तोड़ दिया। लक्ष्मण ने कई सालों बाद एक इंटरव्यू में कहा कि यहाँ पर भले ही आपको भज्जी का जादू दिख रहा हो, पर आपको जो नहीं दिख रहा वो है गांगुली का उस बॉलिंग के लिए किया गया सेटअप। दादा ने मैच के दौरान भज्जी को खुली छूट दे रखी थी, तुझे चाहिए वहां बॉलिंग कर, फील्डिंग का मैं देख लूंगा। दादा जानते थे कि भज्जी भारी पड़ता देख ऑस्ट्रेलियंस उसको एग्रेसिवली हिट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने इन एंड आउट फील्ड सेट की ताकि ऑस्ट्रेलियंस अपने फेवरेट शॉट्स ना खेल पाए और अगर खेले तो अपनी विकेट दांव पे लगाकर। इस रचे चक्रव्यूह में दादा को एक और चीज नजर आई, जब जब दादा ऑस्ट्रेलियन से भिड़ते, झगड़ते, नड़ते, तब तब टीम के सारे यंगस्टर्स उनके साथ भड़क उठते। ये देखते हुए सेकेंड इनिंग्स में जब जब दादा को लगता कि टीम मॉरल जरा नीचे जा रहा है तो वो किसी ना किसी बात को लेकर ऑस्ट्रेलियन से भिड़ जाते हैं और फिर शांति से बैठकर जहीर और भज्जी को अपने लिए झगड़ने देते। इसका बेहतरीन उदाहरण आया चेन्नई में हो रहे थर्ड टेस्ट के चौथे दिन पर। ऑस्ट्रेलिया ने 131 रन की बढ़त हासिल कर ली थी और शेन वॉन और स्टीव वॉक धीरे धीरे मैच को इंडिया से दूर ले जा रहे थे। आखिरी ओवर आते आते वॉन के आसपास लक्ष्मण स्लिप में, दास फॉरवर्ड शॉट लेग पर और द्रविड़ लेग गली पर, और ऐसे समय दादा आए और सिले पॉइंट पे खड़े हो गए बिना हेलमेट के। अगली दो गेंदे वॉन ने जैसे तैसे डिफेंड कर ली, पर हर बॉल के बाद दादा वॉन को टोकते, उन्हें सलाह देते, उनकी बैटिंग की प्रशंसा करते। और फिर आई दिन की आखिरी गेंद, दादा ने पहले एक और फील्डर बुलाकर गली पे खड़ा कर दिया और फिर बार बार जाकर उसकी पोजीशन ठीक करने लगे। अब फर्ज करो कि आपको जोर से जाना हो, टॉयलेट का दरवाजा भी सामने हो और आपको कोई जाने ना दे, तो आपको कैसे लगेगा? बस कुछ यही हाल शेन वॉन का था, दिन खत्म होने से सिर्फ एक बॉल दूर और दादा आराम से टाइम वेस्ट किए जा रहे। तो फिर जब तक बॉल डली तब तक वॉन का धैर्य खत्म हो चुका था। उन्होंने पहले जल्दी जल्दी में बॉल आने के पहले ही अपना पाव आगे कर दिया और फिर अपनी गलती देख झट से पाव पीछे करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिन के आखिरी गेंद पर वॉन फंस चुके थे भज्जी की गेंद और दादा के चाल में। आज इस बात को 21 साल होने आ गए, पर अगर आज भी आप भज्जी को जाकर पूछे तो वो साफ साफ कहेंगे दादा ने उनका साथ तब दिया जब उनको कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। और अगर यही बात आप दादा से जाके पूछे तो वो सीधा कह देंगे भज्जी ने उनकी कैप्टेंसी बचाई। आप इस कहानी को जिस किसी एंगल से देखें, एक बात तो पक्की है, 2001 के उन चंद महीनों में हर गली चौराहे पे अमूल की हर भोजन के संग ही एडवर्टाइजमेंट पाई जा रही थी। इस सीरीज ने भज्जी का नाम इंडियन क्रिकेट के इतिहास में अमर कर दिया था और दादा उनका भज्जी पर लगाया दाव ना केवल सफल हुआ बल्कि इस दाव ने आगे जाकर दादा को इंडियन क्रिकेट का एटीट्यूड बदल देने की ताकत दे दी। कई सालों बाद इस दाव के बारे में पूछे जाने पर दादा ने कहा, लीडरशिप एक बड़ी अनोखी बीमारी है, या तो आपको बचाएगी या तो वो आपको बर्बाद करके छोड़ेगी, पर अगर आप उसकी चुनौती का सामना कर पाए, अगर आप कठिनाइयों का मुंह तोड़ जवाब दे पाए, तो उससे अच्छा काम दुनिया में कोई नहीं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।